खाना है वो दान करेंगे। खत्म हुआ ऐसा बोल सकते, क्योंकि हम लोगों ने खा ली। ये नागपुर की स्पेशलिटी है। Tonight I'll reach out and touch the sky. Hey guys, welcome back to the channel Sky High. आज हमारे यहाँ हाउस वार्मिंग, जो हमने न्यू हाउस खरीदा उसका हम हाउस वार्मिंग कर रहे हैं। इसके लिए घर में छोटी सी पूजा है। शार्दुल अभी बाहर गए हुए हैं, बिकॉज थोड़ा वो सामान लाना है एंड कुछ अरेंजमेंट्स करना बाकी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज हमको बहुत दिनों से जो हमने नया घर लिया उसमें पूजा करनी थी, आज हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं मम्मी? लिपस्टिक लगा रही है। अच्छे दिख रहे हैं। ये घर अभी पूरा खाली है, बिकॉज यहाँ हम लोग रहते नहीं है, तो मम्मी को मेकअप करने के लिए मोबाइल की हेल्प लेनी पड़ी। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली धूप नहीं है और शायद बारिश भी आएगी हल्की हल्की, तो अच्छा ठंडा वेदर है। हम सबसे बात कर करके थक गए, नहीं थके नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आए, बात करे, अपना लुक दिखाते। ये लोग मेरे घर में आके टोंड रहे टोंड रहे, अब मुझे पता भी नहीं था। वाह वाह वाह, छान छान। मम्मी चल घरी। टायरेड चली। दादा खाना बहुत अच्छा बना, खाना बहुत अच्छा बना, क्यों शरमा रहे? अभी आपको स्काई हाई में आना था। पर खाना सबने बहुत एंजॉय किया, सबने बहुत तारीफ की। आलू बंडे तो ऑसम थे। देखो आलू बंडे भी खत्म हो गया। कितने बजे? अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने? अभी सब मेहमान गए, उसके बाद हम खाना खा रहे हैं। अभी 3:30 हुए, हमारे घर का छोटा सा फंक्शन था जो बहुत अच्छे से खत्म हुआ, ऐसा बोल सकते, क्योंकि हम लोगों ने खा लिया और बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाए, क्योंकि एक्चुअली बहुत बिजी थे। वो फंक्शन होता है घर पे तो होता ही है। आप आ गए स्काई हाई पे, खाना बहुत पसंद आया। चलिए थैंक यू सो मच। और मम्मी अपने घर के लिए भी शाम के खाने का जुगाड़ करते हुए। क्या अभी इतनी थकी हूँ, घर में जाके खाना बना रही हूँ? नहीं नहीं सही बात है मम्मी। ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? एक्चुअली हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना, अभी बजे हैं शाम के 6। मैं बिल्कुल बैठा नहीं था, घूम रहे थे कॉन्स्टेंटली, अभी आके बैठने के लिए तो जगह नहीं था, हम लेट गए डायरेक्टली। और अभी और एक चीज बाकी है, शार्दुल और मम्मी तो लेट ही गए यहाँ पे, सब लोग चले गए, घर के भी सारे लोग चले गए घर वापस। अब हमको सब कुछ वाइंड अप करके निकलना है, बट उससे पहले हमारे पास और एक टास्क बचा है। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो खाना है वो दान करेंगे, तो शार्दुल का टास्क है वो फिर से। हमने कुछ फूड बॉक्सेस पैक किए हैं, तो वो जाके डिलीवर करना है जिनको जरूरत है उनको। और शार्दुल इतने ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। फाइनली सबसे जल्दी साड़ी ली हमने, तो कल हमारे घर का हाउस वार्मिंग पार्टी था और पूरा पार्टी होने के बाद में एनर्जी बची नहीं थी ब्लॉग करने के लिए, सो वी कुडंट ब्लॉग। एंड आज पर से फिर टीनी का वर्किंग था, आई हैड सम वर्क दैट आई नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, तो मुझे उसमें पूरा दिन चला गया। बट फाइनली वी गॉट फ्री, और सबसे पहला टास्क हमारा जो था वो था साड़ी लेने का, क्योंकि मेरे मम्मी को बर्थडे है आज, उनको कुछ भी देना था मम्मी को, तो हमने ये साड़ी ली है मम्मी के लिए। इट टुक अस अराउंड 15 to 20 minutes टू सेलेक्ट द साड़ी एंड बाय इट। ये साड़ी की सबसे फास्टेस्ट शॉपिंग होगी जो की होगी हमने। जैसे होम टाउन में आते हमारे लिए टास्क कितने सारे रहते हैं, टाइम इतना सा रहता है, तो सब हम फिट इन करते रहते हैं। नाउ इट्स 7:30 एंड वी आर ऑन द क्लॉक। अभी यहाँ से जाके और एक काम करना है, फिर जाना है मम्मी के यहाँ, विल हेड देयर। तो पता है ये बचपन से ना ये ग्लास मेरा है और इसी में मैं पानी पीती थी। यही ग्लास? ये ग्लास नहीं, ये ग्लास ये मेरा है और ये ग्लास इसका है। ये मेरा है और मैं अभी फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही हूँ, कुछ नहीं होता। ये वाओ, मम्मी के हाथ का मटन। मैं तो शुरू कर दिया, मैं रुका भी नहीं इसके। हां बहुत सही है, घर का खाना बेस्ट होता है। मम्मी के हाथ का नहीं, मेरे हाथ का। अच्छा अच्छा, ये लड़की मेरे हाथ का है। मेरी बहन ने इतनी स्पाइसी सब्जी और बहुत ही यम्मी, ये मटर इतना टेस्टी बनाया और इतना तीखा बनाया, मुझे बहुत तीखा लग गया। और ये नागपुर की स्पेशलिटी है, इसको बोलते हैं लंबी रोटी, यहाँ पे इसको बोलते हैं रामना रोटिया, मांडे, बहुत कुछ बोलते हैं इसको। और ये मटके पे बनती है, पातर रोटिया ऐसा बोलते हैं। और ये मटन के साथ, चिकन के साथ बहुत बहुत अच्छी लगती है। और ये नागपुर की स्पेशलिटी है। तूने अभी तक सबसे ज्यादा कितनी खाई है? दो से ज्यादा नहीं खाया मैंने कभी। और हम लोग मुंबई में इसको इतना मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पर किसी को आता नहीं है बनाना। भूख लग गया अभी। कल मेरी मम्मी का बर्थडे था और हम लोगों ने बहुत ही यम्मी पातर रोटी और मटन खाए, जो हम लोग मुंबई में बहुत ज्यादा मिस करते हैं। रोटियां खासकर? हाँ रोटियां बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ऑब्वियसली फैमिली के साथ हम ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाते, क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत दिनों बाद मिले थे और बर्थडे भी था, थोड़ा बातें ज्यादा हो जाती है। सो रात को हम लोग लेट आए एंड सो गए, तो आज हमको जाना है मुंबई वापस, आज रात की फ्लाइट है हमारी। ये क्या कर रहा है? पारस को ब्लॉगर बनना है, ऐसा पारस ने बोला हमको। है ना पारस, क्या बनना है तुझे?
लेकिन पढ़ाई भी करना उसके साथ साथ। कहाँ गए थे? योगा क्लास। पूरी डेडिकेशन देखो योगा के लिए। हाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। मम्मी की बात पे ध्यान देना। अच्छा, मेरी मम्मी जितनी बबली है ना उतनी बबली उनकी गाड़ी भी है, येलो कलर की स्कूटी पे। पहले मुझे याद है चला रहे थे रस्ते पे, अकेली येलो वाली रहती थी, चॉइस करके लिया था। करते रहना चाहिए एक्सरसाइज, एक घंटा तो खुद के लिए मैं बोलूंगी निकालिए। बहुत ज्यादा तैयारी के साथ में आप नाश्ता ही बना रहे हो? मेरा ऑफिस है तो पहले मैं तैयार हो गई। अच्छा, तो आज का नाश्ता ला? पोहा बनाए थे, पोहा ही हो गया। अच्छा, नहीं आई का फोकस मुझे था, ठीक है। चीनी, अभी क्या कर रही हो तू? यानी बॉक्सेस अनपैक कर रही हूं जो गिफ्ट मिले। एक्चुअली फ्लाइट में हम लेके नहीं जा सकते ना इतने बड़े बॉक्स। ये बहुत अच्छा लगा, कलर बहुत अच्छा लगा मुझे उसका। निकिता के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी, जल्दी जा निकिता, फ्लाइट मिस हो जाएगी। सो वी आर फाइनली लीविंग फॉर बॉम्बे। नागपुर का ट्रिप इज कमिंग टू एन एंड। इट वाज अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस यार, हम लोग ब्लॉग भी नहीं कर पाए। तो ये ब्लॉग है ना सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट कट 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 होके आने वाला है। हम एक्चुअली प्लान किया था पूरे टाइम हम ब्लॉग करेंगे, बट हम पूरे टाइम ब्लॉग नहीं कर पाए। इन दी एंड हम जो चीजें कंपाइल कर पाए दैट वी विल कंपाइल इट फॉर यू, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। इट्स ऑलवेज गुड टू कम बैक टू योर होम टाउन, बट इस बार मुंबई जाने की ज्यादा जल्दी हो रही है। पता नहीं घर की याद आ रही है। चलो, हमारा जस्ट अभी बोर्डिंग पास हो गया, वी आर गोइंग फॉर सिक्योरिटी। सो यहाँ का प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गया क्योंकि लोग शायद कम थे। इसीलिए जो मेरे कॉफी पीने मशीन वाली है उससे बहुत ज्यादा अच्छी टीवी बनाती है, बट एयरपोर्ट्स की कॉफी पीने में अलग ही मजा आती है यार। पता नहीं कहाँ मिला ये, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था जहाँ पे हम बैठे थे ना पहले। हाँ, यहाँ पे से साइड में अकेला पड़ा हुआ है, इसलिए बोर्डिंग पास हमेशा फ्लाइट को अपने पास ही रखने का। मेरा बोर्डिंग पास घूम गया था। अरे थैंक यू चारू, मैं बहुत डर गई। वापस प्रिंट होता है वैसे बोर्डिंग पास, तो किसी का भी बोर्डिंग पास घूम गया है तो पैनिक की जरूरत नहीं है, आप रिप्रिंट करा लीजिए। तुमने मुझे क्या बोला नहीं होता, तुमने मुझे पैनिक करा थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा मैं फ्लाइट डिले हो गई, अब लेट होगा हमें। वैसे 8:15 की फ्लाइट थी, 9:15 की होगी, यानी बना डिले हो गया। तकलीफ जिंदगी में बहुत। ये क्या खेल रहे हो? क्या टाइम पास गेम है? तब से खेल रहे हो जब से फ्लाइट 49 लेवल पे चला गया, मैं जीरो से स्टार्ट किया था। किने मेरा गेम छीन लिया। ये एकदम चिल्लर सा गेम है लेकिन बहुत एडिक्टिव। नहीं, मैं अच्छे से खेल रहा था। ये मैं कैसे दिख रही हूँ? तो बहुत ही नाइंस ऑफ ये बताएगा। अंडा दिख रही हूँ। कैसा दिख रहा तू? अंडा। याद है झंडे से एक ही बैग चार राउंड मार चुकी थी, किसी के बैग नहीं आ रहे थे। घर पहुंच गए, अभी बजे 11:45। फ्लाइट थोड़ी डिलेड थी। एक्चुअली फ्लाइट डिलेड नहीं थी, पूरा का पूरा दिन ही डिलेड था, हर एक चीज डिले ही हो रहा था। अभी हमें लगी है बहुत जोरों की भूख, कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं क्योंकि एनर्जी बिल्कुल डाउन है। सो आज का ब्लॉग हम ऐसे ही एंड करते हैं यहाँ पे। ये असॉर्टेड ब्लॉग रहेगा, बहुत हमारी जो नागपुर की जर्नी है, बहुत सारी चीजें छोटी मोटी हमने ट्राई किया कैप्चर करने का क्योंकि बहुत जगह हम ब्लॉग नहीं कर पाए, जब हमें करना था तब भी बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट्स, बट हमें मजा तो बहुत आई है। होप आप सब लोगों को भी वही मजा आई होगी ब्लॉग देखने में। सो इनकेस यू लाइक द ब्लॉग, प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग आवर ब्लॉग्स। बाय।